कैथल में चुनावों के रिजल्ट के बाद दो दिन में दो बार गोली चल चुकी है। कल जहां पाडला रोड ड्रेन के पास गोली चलने का मामला सामने आया था, वहीं आज कैथल के मलिक नगर में किराए पर बच्चों के साथ रहने वाली एक महिला को बाइक सवार युवकों द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। महिला को कैथल के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। गोली चलने की घटना का पता चलते ही सिटी पुलिस, CIA व उच्च अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास की CCTV भी खंगालने में लगी हुई है। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जबकि महिला अपने घर से तैयार होकर ड्यूटी पर जाने के लिए मात्र 50 मीटर पर ही पहुंची थी। पहले से ही ताक में बैठे तीन युवकों में से एक युवक ने महिला पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए तो देखा कि तीन युवक बाइक पर सवार होकर फरार हो रहे हैं। इसके बाद लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। घायल महिला का नाम सरोज पत्नी सतबीर बताया जा रहा है, जो अपनी बेटी के साथ मलिक नगर में किराए के मकान पर रहती थी। DSP ने बताया कि घटना के पीछे जमीनी विवाद कारण बताया जा रहा है। महिला नारनौंद के पास मखंड गांव की रहने वाली है। इनकी जमीन का हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। ये लेडी है सरोज, वाइफ ऑफ सतबीर, ये चीका रोड पे मलिक नगर में रहती है और इनका जो इसकी ससुराल है वो मखंड गांव है, थाना ऊंचाने पड़ता है जींद में। वहाँ से इनकी जो ज़मीन है ना नारनौंद में, उस ज़मीन का झगड़ा है। उस ज़मीन के झगड़े के बारे में हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उस रंजिश के चलते ही इनके साथ ये वारदात हुई है। तो किस समय की घटना है? समय करीब 9 बजे सुबह की है। जगह कौन सी? मलिक नगर, जो जहाँ किराए पर रहती है। कितने युवक थे और किस चीज़? इन्होंने बताया कि तीन लड़के थे और उनको सामने आने पर ही पहचान सकते हैं। किस चीज़ पे थे सर? वो मोटरसाइकिल पे आए थे। असली कितने सर उनके पास है? तो ये तो पता नहीं। कितने लोग घायल हुए थे? एक लेडी। कितनी उम्र है? उम्र होगी 35-40 साल की बस। कैथल में चुनावों के रिजल्ट के बाद दो दिन में दो बार गोली चल चुकी है। कल जहां पाडला रोड ड्रेन के पास गोली चलने का मामला सामने आया था, वहीं आज कैथल के मलिक नगर में किराए पर बच्चों के साथ रहने वाली एक महिला को बाइक सवार युवकों द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। महिला को कैथल के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। गोली चलने की घटना का पता चलते ही सिटी पुलिस, CIA व उच्च अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास की CCTV भी खंगालने में लगी हुई है। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जबकि महिला अपने घर से तैयार होकर ड्यूटी पर जाने के लिए मात्र 50 मीटर पर ही पहुंची थी। पहले से ही ताक में बैठे तीन युवकों में से एक युवक ने महिला पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए तो देखा कि तीन युवक बाइक पर सवार होकर फरार हो रहे हैं। इसके बाद लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। घायल महिला का नाम सरोज पत्नी सतबीर बताया जा रहा है, जो अपनी बेटी के साथ मलिक नगर में किराए के मकान पर रहती थी। DSP ने बताया कि घटना के पीछे जमीनी विवाद कारण बताया जा रहा है। महिला नारनौंद के पास मखंड गांव की रहने वाली है। इनकी जमीन का हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। ये लेडी है सरोज, वाइफ ऑफ सतबीर, ये चीका रोड पे मलिक नगर में रहती है और इनका जो इसकी ससुराल है वो मखंड गांव है, थाना ऊंचाने पड़ता है जींद में। वहाँ से इनकी जो ज़मीन है ना नारनौंद में, उस ज़मीन का झगड़ा है। उस ज़मीन के झगड़े के बारे में हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उस रंजिश के चलते ही इनके साथ ये वारदात हुई है। तो किस समय की घटना है? समय करीब 9 बजे सुबह की है। जगह कौन सी? मलिक नगर, जो जहाँ किराए पर रहती है। कितने युवक थे और किस चीज़? इन्होंने बताया कि तीन लड़के थे और उनको सामने आने पर ही पहचान सकते हैं। किस चीज़ पे थे सर? वो मोटरसाइकिल पे आए थे। असली कितने सर उनके पास है? तो ये तो पता नहीं। कितने लोग घायल हुए थे? एक लेडी। कितनी उम्र है? उम्र होगी 35-40 साल की बस।